आज यहाँ पर मर्सिडीज़ का ट्रक जिल, एक बेडफोर्ड, एक एफसी, एक बेडफोर्ड की वैन और आपकी ऑस्टिन 40, ये सारी गाड़ियाँ विंटेज हैं जिनका आप ये माने कि 1940 से लेकर के 1955 के बीच के ये सारे विंटेज गाड़ियाँ हैं। आज की तारीख में नज़ारा दें, गाड़ियाँ कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत सिलेक्टेड गाड़ियाँ हैं ये यहाँ पर खड़ी हैं। कोई रशिया की है, कोई इंग्लैंड की है, कोई जापान की हैं, इसमें सब इस तरह की गाड़ियाँ हैं। जो ये गाड़ी खड़ी है इसकी कीमत कितनी होगी और इतनी बढ़िया? ये बाइक है, इसका नाम है इंडियन चीप विंटेज, ये 30 लाख की है और इसके अंदर 5 लाख की एसेसरीज लगी हुई है, तो करीब ये 35 लाख की आपकी बाइक है जो आपके सामने खड़ी है यूएस की। और इसमें स्कूटर्स भी कौन कौन से पुराने, कहाँ कितने साल पुराने हैं? ये बहुत पुरानी कंपनी है, जब वो रेड इंडियंस होते थे उन्होंने ये कंपनी बनाई थी इंडियन के नाम से, और गाड़ी है एक्चुअली ये यूएस की है। गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से, कितनी लगभग गाड़ियाँ, कितनी यहाँ पे लगभग गाड़ी हो गई होंगी 150 गाड़ी के करीब गाड़ियाँ होंगी अभी, और यहाँ पे टू व्हीलर्स भी बहुत हैं। टू व्हीलर्स के अंदर जैसे लैम्ब्रेटा स्कूटर, विजय सुपर, आपका वेस्पा इटली वाला, और इसके अंदर यामा 350 और यामा RX100, यजदी, जावा, इस तरह की बहुत सारी पुरानी बाइक्स हैं जो बाइक लवर्स हैं सारे तैयार कर करके अपने पे रखते हैं, जो आज यहाँ पे लेकर के आए हैं। भैया ये विलीज का CJ3A मॉडल है, जो 1951 की मॉडल की गाड़ी है, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है, फोर व्हील ड्राइव है, और राजस्थान में बहुत कम लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ बची है, अभी पुरानी गाड़ियाँ हैं, इनको नए सिरे से वापस रेस्टोर किया है हमने, और बस ये ऑफ रोडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। सर ये आर्मी डिस्पोजल है और ये 1969 मॉडल है, राइट हैंड है, और ये मेरे पिताजी की पसंद की है इसलिए इसको बेची नहीं हमने, और ना लाइफ टाइम कोई बेचना चाहते हैं। बाकी मेरी पर्सनली गाड़ी 1942 फोर्ड है, मेड इन यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड वार में चली हुई है गाड़ी, और ये 1942, वो पीछे 52 खड़ी है, फिर 72, ये लाइन से सारी मेरी गाड़ी है, मेरी भी नहीं, हम सारे ब्रदर ही रियल ब्रदर, ये मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनसे बड़े ब्रदर पीछे हैं, और ये हमने एक छोटा सा राजस्थान जीप क्लब है, जीप क्लब, उसको प्रमोट करने के लिए विंटेज कार्स, विंटेज ट्रक, विंटेज बाइक्स, बुलेट्स, इतनी सारी गाड़ी इकट्ठी करके लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी गाड़ियों से कैसे जो लोग बाग स्क्रैप में बेच रहे हैं वो नई गाड़ी वापस तैयार हो सकती है, ये संदेश देना चाहते हैं। आज कौन सी गाड़ी ले, उसमें आपकी गाड़ी में क्या खासियत है सबसे बड़ी चीज़? मेरी गाड़ी में सबसे पहली खासियत है वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में चली हुई है ये गाड़ी, 1942, मेड इन यूएसए। नमस्कार, मेरा नाम हरजीत सिंह है, मेरा अजमेर बाइकर क्लब के नाम से एक अजमेर के अंदर क्लब है जो सुपर बाइकर और नॉर्मल 150cc से ऊपर की बाइक्स के लिए क्लब है। आज मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हेमंत भैया और इन्होंने MTC ग्रुप ने मिलके राजस्थान जीप क्लब की तरफ से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन कराया है, जिसमें करीबन 100 से ऊपर जो पुरानी ओल्ड विंटेज जीप वगैरह है वो यहाँ पे आई है, और हमारे अजमेर बाइकर क्लब की तरफ से जो पुरानी जो इसके पास में बाइक्स थी जैसे ESD है, राजदूत है, यामा, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेंट लिया, और इसी तरीके से अगर अजमेर में डेवलपमेंट होता रहा बाइकिंग को और कार्स को लेके, तो जल्द ही अजमेर राजस्थान के टॉप लेवल के अंदर बाइकर और सुपर बाइक के अंदर गाड़ी लेके आया हुआ है। हमारी तरफ से यहाँ पे 2 ESD है और राजदूत आई है जो बाइकर क्लब हमारा है उसकी तरफ से आई हुई है। क्या कारण है आपके लाने का आपका? हमारा ये कारण है कि एक अजमेर बाइकर क्लब यदि हमारा अजमेर के अंदर चल रहा है तो इस तरीके के जो भी इवेंट हो रहे हैं हमें उसके अंदर पार्टिसिपेंट लेना है, तथा हमारे को लोगों को ये बताना है कि पुरानी जो विंटेज बाइक्स है उनका आज भी लोगों के प्रति क्रेज़ है, क्योंकि जो 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो पुरानी बाइक्स के काफ़ी लवर रह चुके हैं, और उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर इसके डेवलपमेंट के लिए। हमारी बाइक्स 1964 से लेकर 1980 के मॉडल्स की है जो आज भी वेल मेंटेन्ड है, ऑन है, जिनके इंजन आप आराम से चला के, अभी भी हमारी ESD की जो ट्रिप हुई थी उसके ऊपर हमारे अजमेर से उदयपुर जो 300 किलोमीटर जाना 300 आना था, 2 दिन की ट्रिप थी, 600 किलोमीटर बाइक बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के चली है, तो हमारे पास में जो पुराने मॉडल की बाइक्स है वो रनिंग कंडीशन में है, ऐसा नहीं है कि वो भंगार है या कचरा है। आप ये मानते हो कि जो पुरानी बाइक थी वो बेस्ट और या आज की नई बाइक है बेस्ट? देखो, वेस्टेज दोनों में से कुछ भी नहीं है, पुरानी बाइक्स का किसी को क्रेज़ होता है और उसी क्रेज़ को हमने कंटिन्यूसली रखा है, जैसा अभी जावा ने वापस नया मॉडल निकाला है जो नया बाइकर्स के हिसाब से आई, जिसमें डिस्क ब्रेक, ABS वगैरह सब दिया है, लेकिन पुरानी बाइक्स को भी यदि अगर हम मेंटेन करके चलते हैं तो ऐसा उसमें कोई लॉस नहीं है, वो भी रनिंग लंबे कंडीशन के लिए हमारे साथ चल सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरजीत सिंह है, अध्यक्ष अजमेर बाइकर क्लब।